कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। माँ का दिल। श्रीरामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला और उसका बेटा राजू रहा करते थे। वे लोग गरीब जरूर थे लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। हमेशा मेहनत करते और अपना पेट पालते थे। अरे शीला चलो जल्दी खाना दो, मुझे कल सुबह जल्दी काम पर जाना है। हाँ जी बस 5 मिनट और। कुछ देर बाद शीला खाना लेकर आती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अजी कल आपको इतने जल्दी क्यों जाना है? अरे भाग्यवान कल खेतों में बहुत सारा काम है इसलिए थोड़ा जल्दी जाऊंगा। ठीक है। अब बातें बंद करो और तुम भी सो जाओ। अगले दिन मोहन सूरज निकलने से पहले ही खेत में जाता है और काम करने लगता है। काम करते करते शाम हो जाती है और अंधेरा पड़ जाता है। मोहन खेत से निकल ही रहा था कि तभी उसका पाव एक सांप पर गिर गया। उस सांप ने मोहन को काट लिया। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा। शाम हो जाने की वजह से सब लोग अपने खेतों में से घर गए थे और मोहन के चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर बाद मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले दिन गांव के कुछ लोग खेत में आए और उन्होंने देखा कि मोहन बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा है। चलो जाकर देखते हैं। गांव वाले मोहन के पास जाते हैं। अरे मोहन भाई उठो, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन मोहन नहीं उठता। तभी एक आदमी की नजर मोहन के पैर पर पड़ती है। अरे मोहन भाई को तो सांप ने काटा है, ये देखो उसके निशान। सारे लोग मोहन को उठाकर उसके घर लेकर जाते हैं। अरे क्या हुआ है मेरे पति को, आप सभी ने ऐसे क्यों उठा कर ले आए हो? तभी एक आदमी शीला को सारी हकीकत बताता है। वो सब सुनकर शीला के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया, अब मैं क्या करूं, मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? शीला फूट फूट कर रोने लगी। अब घर की सारी जिम्मेदारी शीला पर आ गई थी और शीला भी अब खेती में काम करके अपने घर का गुजारा करने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब राजू स्कूल जाने लगा था। माँ जल्दी टिफिन दो, मुझे स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ बेटा अभी लाई। शीला टिफिन लेकर आती है और राजू को देती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। राजू अब कॉलेज जाने लगा था। उसे कभी भी अपनी माँ की हालत पर दया नहीं आई थी। अब वो बहुत गैर जिम्मेदार बन गया था। अरे दोस्तों क्यों ना हम सब कल कहीं पिकनिक पर जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत मजे करेंगे। ऐसा कह के सारे दोस्त घर निकल जाते हैं और राजू वही बैठकर सोचने लगता है। मैंने सबको पिकनिक के लिए हाँ तो बोल दिया मगर मैं पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? इसी सोच में डूबे हुए राजू घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे कल के कल 5,000 रुपए चाहिए। अरे मेरे लाल इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तुम्हें, और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है बेटा। माँ मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे कुछ भी करके आज शाम तक पैसे दे दो नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। अरे बेटा ऐसे मत करो, लेकिन मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं है। माँ आप कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है मेरे लाल मैं कुछ करती हूँ। अब शीला सोच में पड़ जाती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लाए। शीला अपने खेत के मालिक के पास जाकर आधे पैसे उनसे उधार लेकर आती है, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। अब शीला अपने पड़ोसी के घर जाकर और कुछ पैसे उधार लेकर आती है और जैसे तैसे वो 5,000 रुपए जमा कर लेती है। माँ चलो मुझे पैसे दो जल्दी। हाँ मेरे राजा बेटा अभी देती हूँ। शीला राजू को पैसे दे देती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन राजू अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए निकल जाता है। बेटा संभल कर जाना और पैसे बराबर रखना। हाँ माँ मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा अभी। राजू घर से निकलता है और सारे दोस्त पिकनिक के लिए बस पकड़ते हैं। बस में राजू की नजर एक लड़की पर पड़ती है, वो उसे बहुत पसंद आती है। राजू उससे बात करने लगता है। हाय मैं राजू, आपका नाम? मैं प्रांजल। इस तरह बातों बातों में उसे उससे प्यार हो जाता है, लेकिन प्रांजल एक बहुत गुस्सैल लड़की थी। पिकनिक से वापस आने के बाद राजू प्रांजल को अपने घर लेकर जाता है। माँ देखो मेरे साथ कौन आया है। कौन है बेटा? शीला प्रांजल की ओर देखती है, लेकिन प्रांजल शीला की ओर बहुत गुस्से से देख रही थी। कुछ देर रुकने के बाद प्रांजल उनके घर से निकल गई। माँ कैसी लगी प्रांजल तुम्हें? मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। बेटा मुझे ये लड़की सही नहीं लगी, तुम्हें इससे कई अच्छी लड़की मिल जाएगी।
आप मत सिखाओ मुझे, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रांजल के साथ ही। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें पूरी जिंदगी निकालनी है उसके साथ। अगर तुम दोनों खुश रहते हो तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। कुछ दिनों बाद राजू और प्रांजल की शादी हो गई। फिर एक दिन प्रांजल अपनी सास के साथ झगड़ा करने लगी। मैं कुछ काम नहीं करूंगी, तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। अरे बेटी, पर मेरे जाने के बाद ये सब तुम्हें ही तो करना है ना। तभी का तभी देखा जाएगा, आप मुझे मत सिखाओ। शाम को जब राजू घर आता है, एजी देखो ना, तुम्हारी माँ कुछ काम नहीं करती और मेरे से सब करवाती है और ऊपर से झगड़ा भी करती है। राजू बाहर जाता है और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाता है। प्रांजल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसे ही चलने लगा। प्रांजल हर रोज राजू को उसकी माँ के बारे में भड़काती रही, राजू को अपनी माँ से दूर करती रही। ऐसे ही एक दिन उसने अपने खुद के हाथ थोड़े जला लिए और शाम को जब राजू घर आया, एजी देखो आज आपकी माँ ने क्या किया, मैंने काम करने के लिए मना किया तो आपकी माँ ने मेरे हाथ जला दिए। प्रांजल की बातें सुनकर राजू बहुत गुस्सा हो गया, उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, मैंने किया क्या है जो तुम मुझे घर के बाहर निकाल रहे हो, और मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ बेटा, जरा अपनी बूढ़ी माँ के बारे में तो सोचो, ऐसा मत करो बेटा। ये रोना धोना बंद करो और निकलो मेरे घर से। बेचारी शीला अपना सामान लेकर घर से बाहर निकलती है। वो पास ही के एक मंदिर में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक राजू के सीने में दर्द होने लगता है। अरे सुनो प्रांजल, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। प्रांजल राजू को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर राजू का चेकअप करते हैं और प्रांजल से कहते हैं, देखिए मैडम, आपके पति के दिल में छेद है, हमें कल के कल कोई ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो अपना दिल इन्हें दे, नहीं तो हम आपके पति को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर प्रांजल बहुत डर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ये बात राजू के पड़ोसन को पता चलती है और वो जल्दी से ये बात राजू की माँ को बताती है। जैसे ही राजू की माँ को ये बात पता चलती है, वो तुरंत अस्पताल आ जाती है और डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचाओ, आप मेरा दिल ले लो मगर मेरी बच्चे की जान बचा लो। शीला अपना दिल राजू को दे देती है और खुद अपने बेटे के लिए इस दुनिया को अलविदा कहती है। राजू का ऑपरेशन हो जाता है। अगले दिन जब राजू होश में आता है तो वो प्रांजल से पूछता है, अरे प्रांजल, मुझे क्या हुआ था। प्रांजल राजू को कुछ बताती तभी डॉक्टर वहां पर आते हैं। राजू, तुम्हारा ऑपरेशन एकदम अच्छे से हुआ है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। मगर डॉक्टर, मुझे हुआ क्या था। तुम्हारे दिल में छेद था, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपना दिल देकर तुम्हारी जान बचाई है। ये बात सुनकर राजू और प्रांजल की आंखों में आंसू आने लगे। राजू फूट फूट कर रोने लगा। क्या, मेरी माँ ने अपना दिल मुझे दिया। हाँ राजू, तुम्हारी माँ ने अपना दिल तुम्हें दिया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर की बातें सुनकर राजू हक्का बक्का हो जाता है। प्रांजल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी राजू अपने दिल पर हाथ रखता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। मेरे लाल, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया मगर तुम्हें मेरी चिंता कभी हुई ही नहीं। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें कभी भी किसी बात की कमी पड़ने नहीं दूंगी। बस मैंने तो अपना वादा निभाया, खुश रहना मेरे लाल। ये सब सुनकर राजू बहुत रोने लगा, मगर अभी रोकर कुछ फायदा नहीं था। राजू की जान तो बच गई थी, लेकिन अब उसके पास उसकी माँ नहीं थी। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। इस दुनिया में माँ से बड़ा ना कोई है और ना ही कोई हो पाएगा। जिनके नसीब में माँ और पिता दोनों का प्यार है, वो इस दुनिया के सबसे अमीर और खुशनसीब लोग हैं। हमेशा अपने माता पिता का आदर करो। कई साल पहले खालनपुर गांव में एक पानवाला रहता था, जिसका नाम था बाबू पानवाला। गांव में उसका छोटा सा ठेला था। उसके हाथ का मीठा इलायची पान बहुत मशहूर था। ठेले में पान के साथ साथ बबलू बिस्किट, स्नान कटाई, फरसान इत्यादि खाने की चीजें भी बेचता था। वो इस ठेले से हुई कमाई से अपना घर चलाता था और अपने बेटे यश को कॉलेज में पढ़ाता था। लेकिन यश को अपने पिताजी का पान बेचना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो रोज अपने दोस्तों के साथ अपने पिताजी के पान के ठेले के सामने से गुजरता था, लेकिन जब बाबू उसे मदद के लिए पुकारता, वो कान में हेडफोन डाल के अनसुना करके वहां से निकल जाता था। बेटा यश, जरा ये पान धो देना। यश, यश, अरे सुनो तो। एक दिन बाबू तेज बुखार की वजह से बीमार पड़ गया। उसने यश को बुलाया।
बेटा, मुझे नहीं लगता मैं अगले 5-6 दिन काम कर पाऊंगा। तुम जानते हो हमारा घर पान के ठेले पर ही चलता है। तुम्हारी अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमारा पान का ठेला तुम संभालो। क्या, मैं पान का ठेला चलाऊ? क्या बात कर रहे हैं आप पिताजी। क्या इसलिए आप मुझे पढ़ा लिखा रहे? अब और ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए। पहले ही मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक है, तो आज से एक काम करना, तुम्हारे उन्हीं दोस्तों के घर खाना खाने जाना, उन्हीं से कॉलेज के फीस भी लेना और चाय नाश्ता वही कर लेना, बाल मूंछ काटने के लिए भी पैसे उन्हीं से लेना, और हाँ, मोबाइल रिचार्ज भी उन्हीं से करवा लेना। मोबाइल रिचार्ज का नाम सुनते ही यश डर गया। नहीं नहीं, ठीक है, कुछ ही दिनों की बात है ना, मैं संभाल लूंगा आपका पान का ठेला। वैसे भी मैं एक संस्कारी बेटा हूँ, इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। चलो अच्छा है, देर से ही सही, तुम्हें अकल तो आई। आओ मैं तुम्हें पान लगाना सिखाता हूँ। पिताजी मजाक अच्छा कर लेते हो आप, ऐसे बोल रहे हो जैसे टाइटैनिक चलाना सिखा रहे हो। रहने दो, मैं लगा दूंगा पान, आखिर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। अगले ही दिन से यश ने पान के ठेले पर आना शुरू किया। क्योंकि दुकान में बहुत गर्मी हो रही थी, उसने वहां कूलर लगवाया, चेयर पर कुशन डालकर फिर कान में हेडफोन डाल के आराम से गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद एक कस्टमर ठेले पे आया। भाई, एक कलकत्ता कच्चा कट्टा बगैर सोप सदा पान लगाना। क्या क्या कहा? कलकत्ता जाना है तो स्टेशन चले जाओ, यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ से सीधे जाओ और दाहिनी तरफ मुड़ो, सामने स्टेशन है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। आई बात समझ में। इस बेवकूफ से बना पान खाऊंगा तो सारा मुंह जल जाएगा। पता नहीं बाबू भैया ने किसको ठेले पे बिठाया है। कुछ देर बाद दूसरा कस्टमर वहां आया। अरे बाबू चाचा कहाँ है? कई दिनों से दिखाई नहीं दिए, ठीक तो है ना? हाँ हाँ, एकदम ठीक है। आपको क्या चाहिए जल्दी बोलिए, मेरा गाना खत्म हो जाएगा। एक सादा पान लगाना। सादा मतलब सिंपल, मीन्स उसमें कुछ नहीं डालना होगा। यश ने एक पान पे सिर्फ चूना लगा के उसको दे दिया। पान खाके उस आदमी का मुंह बुरी तरह से जल उठा, उसने पान थूक दिया। अरे भाई, ये क्या खिलाया तुमने, सारा मुंह जल गया। आप ही ने तो सादा पान मांगा, इसलिए सिर्फ चूना लगा के दे दिया। बाप रे, ये तो एकदम बेवकूफ है, इससे बात करके भी कुछ फायदा नहीं। ये सोचकर दूसरा कस्टमर भी वहां से चला गया। यश के दोस्त विकी और मोंटी हर रोज ठेले पे टाइम पास करने आते, बहुत सारे चिप्स वेफर्स खाके कोल्ड ड्रिंक्स पीके वहां से चले जाते। इस तरह एक महीना निकल गया। एक दिन यश ने बाबू से कहा, पिताजी दुकान का सारा सामान खत्म होने को है, पैसे दीजिए, मैं मार्केट से माल लाता हूँ। क्यों नहीं खत्म होगा? गांव वालों ने मुझे सब कुछ बताया है कि तुम कैसे ठेला चलाते हो, किसी भी ग्राहक को तुमने ढंग से पान बना के नहीं खिलाया। क्या करोगे तुम भविष्य में? देखो, मैंने कुछ पैसे जोड़कर गांव में 2 एकड़ जमीन खरीदी है, पूरे 10,000 रुपए में। अगर अगले 1 महीने में तुमने 10,000 नहीं कमाए तो मैं वो जमीन किसी अनाथ आश्रम को दान कर दूंगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ये सुनकर यश डर गया। अगले ही दिन वो जब ठेले पे बैठा था, यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, कुछ तो जुगाड़ करना होगा, 10,000 रुपए कहाँ से लाऊं? तभी पड़ोस के गांव का मुखिया अपनी कार में वहां आया। सुनो, परसों मेरे बेटे की शादी है और कल मेहंदी, दोनों दिन खाने के बाद मेहमानों को बढ़िया पान खिलाना है। मैंने तुम्हारे मीठे पान के बारे में बहुत सुना है, दिन के 200 पान लगेंगे और वहां के तुम्हें ताजे ताजे पान मेहमानों को खिलाने होंगे, कर पाओगे? ये तो बहुत अच्छा मौका है पैसे कमाने का। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। उसने अपने दोस्त मोंटी और विकी को बुलवाया। सुनो, मैं बाजार से पान पत्ते और सुपारी लाता हूँ, तुम लोग इस लिस्ट में जो सामान लिखा है वो सब ले आओ। दूसरे ही दिन यश ने मुखिया के बंगले के बाहर लगे मंडप में पान का ठेला लगाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मीठे पान बना के वहां सजाए। खाना खाके एक मेहमान वहां आया। एक मीठा पान खिलाओ भाई, सौंफ डाल के। हाँ सर, अभी बनाता हूँ। विकी जरा सौंफ देना। सौंफ मांगते ही विकी ने साबुन निकाल के यश को दिया। साबुन देख के यश ने विकी को एक जोर का थप्पड़ मारा। अरे उल्लू, सौंफ और सोप का अंतर नहीं पता तुझे? मूर्ख, इज्जत का फालूदा कराएगा क्या? फिर जैसे तैसे मैनेज करके यश ने मेहमानों को मीठा पान खिलाया। एक एक करके मेहमान आते गए, यश सबको पान खिलाता गया। थोड़ी देर के बाद सारे मेहमान चिल्लाने लगे। मेहमानों की हालत देख के मुखिया डर गया और यश के पास आया। ये क्या खिलाया तुमने पान में, सब लोगों के मुंह जल रहे हैं। यश ने मोंटी की तरफ देखा। अरे अच्छा वाला ब्रांडेड चूना लाया हूँ पेंट की दुकान से। क्या, तुमने दीवार पर लगाने वाला चूना डाला है पान में? यश डर गया। मूर्ख, कही के सारे मेहमानों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है तुमने।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। यह कहकर मुखिया ने फोन लगा के तुरंत उस गांव के सीनियर इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर तीनों को चौकी ले गए और जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बाबू वहां आया। अब समझ में आया बेटा, टाइटैनिक बनाना और चलाना जितना मुश्किल है उतना ही ये पान बनाना भी। किसी भी काम को हल्के में मत लो। तुम तो बुद्धू हो ही, साथ में तुम्हारे ये दोस्त भी मूर्ख है। किसी भी चीज को बिना सीखे करने जाओगे तो यही नतीजा होगा। हमें माफ कीजिए पिताजी। ठीक है, मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है, वो तुम्हें छोड़ देंगे। वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठेला मैं संभाल लूंगा। अगले दिन से बाबू अपना पान का ठेला संभालने लगा। यश कॉलेज से आने के बाद कुछ समय ठेले पे बिताने लगा और बाबू का हाथ भी बटाने लगा। रामपुर नाम के गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था। उसकी दूसरी पत्नी गंगा, उसकी बेटी क्षमा और उसके पहले पत्नी की लड़की रेवती भी उसके साथ रहा करती थी। घर में सब हंसी खुशी रहा करते थे। उनके घर में गाय भैंसें बहुत थी और उनकी जिम्मेदारी गंगा पर थी। गंगा अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे गंगा आज इतना दूध बच गया? अरे वो आज कुछ ग्राहक आए ही नहीं। अच्छा, तुम इसका कुछ बना दो, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। जी हाँ बना दूंगी, आप चिंता मत करो। अच्छा। ऐसे ही एक दिन गंगा की पड़ोसन सुशीला उसके साथ बातें कर रही थी। अरे गंगा, तुम्हारी बेटी क्षमा कितनी सुंदर दिखती है, और रेवती तो उससे भी ज्यादा सुंदर दिखती है, मगर उसे किसी भी चीज का गर्व नहीं है। हाँ वो तो है, मगर मेरी क्षमा ही दिखने में ज्यादा सुंदर है, तुम कुछ भी कहो। हाँ तुम जो कहती हो वही सही होगा। गंगा अपने घर में चली आती है। घर में आने के बाद उसके मन में बहुत बुरे विचार आने लगते हैं। इस रेवती को तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी, मेरी बेटी से खूबसूरत और कोई दिख ही नहीं सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गंगा रेवती के सौंदर्य की वजह से उसे बहुत भला बुरा कहती थी, उसे बहुत सारा काम करने को देती थी। बेचारी रेवती सारा काम करती थी। ऐसे ही एक दिन बहुत सारा काम करके वो थक गई थी और सोने जा रही थी। तभी वो अपने माँ के कमरे के पास गई और मन ही मन बोली, माँ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो पता नहीं, मगर तुम मेरी माँ हो इसलिए मैं तुम्हारी सारी बात मान लेती हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पैर के पास पड़े एक सांप पर गई। वो जोर से चिल्लाई और तभी वो सांप जाकर उसकी सौतेली माँ को काट लेता है। सांप के काटते ही गंगा नींद से उठ जाती है और बहुत डर जाती है। माँ तुम्हें सांप ने काटा है, मैंने अभी देखा है, वो वहां गया है। अब मैं क्या करूँ, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, हे भगवान बचा ले मुझे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पति श्याम और उसकी बेटी क्षमा भी वहां आ गई। सब लोग बहुत चिंता में डूब गए। तभी रेवती ने अपने माँ के पैर को एक कपड़े से बहुत पक्का बांध दिया और जहाँ उस सांप ने काटा था वहाँ अपना मुंह लगाकर खून चूसने लगी। वो खून बाहर थूक कर निकालने लगी। धीरे धीरे रेवती बेहोश हो जाती है और उसी के साथ गंगा भी बेहोश हो पड़ती है। हे राम अब मैं क्या करूँ, मेरी मदद करो भगवान। ऐसा कहकर श्याम बहुत घबरा जाता है और अपने पड़ोसी मित्र रंगा के पास मदद मांगने जाता है। रंगा मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है और उसके पैर को रेवती ने चूस लिया, इसलिए अब वो भी बेहोश हो गई है। मेरे साथ चलो, हम उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। हाँ हाँ चलो। रंगा और श्याम उसके घर गए और उन दोनों को उठाकर अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इनको सांप ने काटा है, इनका जल्द ही इलाज करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर, मेरी पत्नी और बेटी दोनों को बचा लीजिए। जी। ऐसा कहकर श्याम और रंगा बाहर खड़े रहते हैं। रेवती और गंगा को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर लिया जाता है। श्याम बहुत चिंता में पड़ जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। इनके पति कौन है और पिताजी? हाँ डॉक्टर साहब, वो मेरी लड़की है, उसने अपने माँ की जान बचाई है। हाँ अब वो दोनों खतरे से खाली है, उस लड़की ने उनकी जान बचाई है। क्या हम उन्हें मिल सकते हैं? जी हाँ अब आप उनको मिल सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। शाम गंगा और रेवती को देखने के लिए अंदर कमरे में जाता है। तभी गंगा आंखें खोलती है। अजी मुझे तो सांप ने काटा था ना? हाँ गंगा तुम्हें सांप ने काटा था और तुम दोनों बेहोश थी, लेकिन अब तुम खतरे से बाहर हो, और थोड़ी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। कौन दोनों? तुम और रेवती। रेवती ने तुम्हारी जान बचाई है गंगा, जिसका तुम हमेशा तिरस्कार करती आई हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे मेरी बच्ची को पहचानने में बड़ी गलती हो गई। अब तुम आराम करो। तभी रेवती को भी होश आता है
होश आते ही वो अपने माँ के बारे में पूछती है। माँ कैसी है पिताजी, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सुनकर गंगा की आंखें भर आई। वो उठकर रेवती के पास आई। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। नहीं माँ, तुम तो मेरी प्यारी माँ हो। गंगा को अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उस दिन के बाद उसने अपनी बेटी से सौतेला व्यवहार करना बंद कर दिया। 2 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे दोनों घर आकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगी।